गुड मॉर्निंग जोहार माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और आज सॉरी चीटी ऐसे तो आज माँ बहुत जल्दी उठी है और कुछ तो है। तो क्या गिरा है? बिस्किट गिरा दी है माँ तो क्योंकि 6 बजे है तो अभी सुबह सुबह कुछ बना नहीं था और जल्दी ही फ्रेश हो गई थी माँ। और क्योंकि कल रात में कुछ खाई नहीं थी तो उनको लगी थी भूख। तो अरे बाप रे, कहीं तो क्योंकि मैंने नारियल का तेल लगाया ना तो कहीं से चींटी चढ़ के उनको परेशान कर रहा है कि कर रही है। तो इसलिए मैंने माँ को दिया है बिस्किट और मैं कुछ और बना दूँगी, हॉर्लिक्स के साथ कुछ दे दूँगी। नाश्ता बनेगा तो मैं दे दूँगी, लेकिन क्योंकि बना नहीं है तो मुझे लगा कि शायद कल कुछ खाई नहीं है माँ, तो इसलिए मैंने माँ को बिस्किट दे दिया है कि वो खाते रहेंगी, तब तक मैं कुछ बना लूँगी, है ना। और कालू भी खाना खा लिया है, वो भी कल था नहीं, है ना, आया भी नहीं और खाना भी नहीं खाया। तो अभी सुबह सुबह आया और खाना खा के मैंने उनको भी खाना कालू को भी दे दिया है और वो अभी वो जा रहा है। कालू देखिए, छोटा वाला कालू भी आ गया है, झगड़ा हो रहा दोनों में। कालू कालू तो अभी अभी खा के निकला है, फिर भी पता नहीं क्या ढूंढ रहा है वो वहाँ पे। बड़ा कालू यहाँ है और छोटा कालू यहाँ पे बैठ गया है। अभी मैं इसका करतूत दिखाती हूँ और बताती भी हूँ। देखिए यहाँ पे ना, ये लड़के आया है तो घाव हो गया है क्योंकि हम लोग 1 सप्ताह थे नहीं घर में, तो कालू का कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या कर रहा है क्या नहीं, है ना। देखिए चाट रहा है अब घाव को, देखिए घाव हो गया है। तो मैं बाबू को बोल देती हूँ कि वो कुछ दवा लेके आए। मैं वही कल रात में ध्यान दे रही थी कि क्या हो गया है कालू को, मुझे लगा ये क्योंकि उसने यहाँ वहाँ सोता है ये लड़का, तो उसमें बालू लग गया है तो समझ नहीं आ रहा था कि क्योंकि अगर इसमें कालू का जो घाव है उसमें अगर मक्खी वगैरह बैठेंगे तो वो मैगट्स हो जाएंगे, कीड़े लगेंगे। तो मैं बाबू से बोल दूँगी कि वो कोई दवा लेके आएगा उसके बाद, क्योंकि बहुत दिक्कत होगा फिर कालू को ना फिर। तो अभी जब तक वो ठीक लग रहा है, क्योंकि ये घर में तो रहता नहीं है एक जगह, वो इधर उधर घूमते रहता है, तो इसलिए बेहतर है कि दवा ला के लगा दिया जाए, नहीं तो आगे बहुत परेशानी होगा घर में भी। कालू को तो हो गई होगा, हम लोगों को भी होगा, क्योंकि फिर एक जगह फिर कुछ अगर हो गया गलती से, है ना, तो वो ना दवा लगाने देगा ना वो चुपचाप एक जगह बैठेगा तो परेशानी और बढ़ जाएगा। तो आज को अगर बाबू मार्केट जाएगा तो मैं बोल दूँगी कि वो ले आएगा। ओ कालू, कहाँ लड़ के आया है तुम? कहाँ लड़ झगड़ के आया है? हाँ, कहाँ से लड़ झगड़ के आया है? दिखा 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 रे लड़का, नहीं दिखाएगा। ये कुछ मकई है जो बाबू लेके आया है, तो बहुत ही छोटा छोटा, मतलब क्या ये बालक है, अभी ठीक से ये नहीं हुआ है लेकिन यम है, अच्छा है। जो ज़्यादा बड़ा हो जाता है वो भी तो खाने में कोई ज़्यादा
मतलब अच्छा नहीं लगता है। ये टेस्टी होता है जो ज़्यादा बालक बालक रहता है ना। तो चलिए इसको भूनते हैं माँ के लिए, मेरे लिए, बाबू तो है नहीं, बाबा के लिए, सबके लिए। माँ क्या खा रही है? बस अब झगड़ा शुरू कर देना तुम लोग। मैं तो नहा ली हूँ और माँ नहीं नहाई है अभी तक, क्योंकि तभी धूप खिला नहीं था, अभी तेज़ हो गया, मैं बाद में नहला दूँगी, क्योंकि अगर धूप नहीं हूँ तो माँ को ठंड लग जाती है, इसलिए मैं धूप जब तक तेज़ नहीं होती तब तक मैं माँ को नहीं नहलाती। तो मैं तो नहा ली हूँ, क्योंकि बहुत सारे गंदे कपड़े मैंने माँ के धोए हैं, तो इसलिए अभी मैं कर रही हूँ नाश्ता। और माँ तो कर चुकी, पर मैंने बहुत सारे जो है ना फ्रूट्स काटे हैं, तो मैं माँ के साथ ही खाऊंगी, पर देखे माँ कितना खाती है। फिलहाल तो वो भुट्टा निकाल के खा रही है। दिखाओ माँ, दिखा दो, ये देखिए, ये कुछ मैंने खाए हैं, कुछ माँ ने, है ना माँ? हाँ, तो चलिए पहले हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। सॉरी, सीटी बड़ा तेज बज रहा था। तो मैंने खीरे इतने बड़े बड़े काटे हैं, देखिए मैं दिखाती हूँ, मोटू मोटू अपने जैसे, देखिए ऐसे काटे मैंने खीरा। एक मिनट, फिर मैंने दाल चढ़ाया हुआ है साथ साथ और चावल भी। इसलिए बार बार ये सीटी मुझे और आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है। छिलका नहीं निकालते हैं माँ, खाते हैं ना, खाते हैं ना, छिलका नहीं निकालते हैं। वो एप्पल का छिलका निकाल रही है, ऐसी खाती है माँ। चना खाती है, चना का छिलका निकालेगी, किसी का भी छिलका बिल्कुल नहीं खाती है। देख वो निकाल देती है। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे ब्लॉग में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल के ब्लॉग में।